अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइटम सॉन्ग्स एक ऐसा गंद है जिससे भारत अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत का माशरा तबाह हो चुका है आइटम सॉन्ग्स की वजह से। जबकि इसके बरअक्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में हर फिल्म में आइटम सॉन्ग डाला जा रहा है। आज की हमारी ये वीडियो शुरू करने से पहले इंतहाई अदब से गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, चंद एक्टर्स और डायरेक्टर्स ने इस पर बात की है कि फिल्म चलाने के लिए आइटम सॉन्ग ज़रूरी नहीं हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि फिल्म्स नहीं बननी चाहिए, ज़रूर बननी चाहिए, मगर इनमें आइटम सॉन्ग्स में छोटे कपड़े पहने आधी नंगी लड़कियां दिखाने की बजाय ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिससे हमारे माशरे की इस्लाह हो। इसी तरह हमजा अली अब्बासी कई मर्तबा इस किस्म के आइटम सॉन्ग्स पर आवाज़ उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आइटम सॉन्ग्स एक बीमारी है और हमें इससे अपनी जान छुड़ानी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं फ़िल्म डायरेक्टर्स की मिन्नत करता हूं कि फ़िल्मों में आइटम सॉन्ग्स मत शामिल करें, इससे हमारा मुआशरा तबाह हो जाएगा। नाज़रीन, हम आइटम नंबर बनाने वाले या उसमें काम करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ नहीं और ना ही उन्हें बुरा समझते हैं, बल्कि हम आइटम सॉन्ग्स जो कि जदीद तर्ज का मुजरा है इसके खिलाफ हैं। मेरे हम वतनों, अगर आप मेरी इस बात से इत्तफाक रखते हैं और इस गंद और लानत से जिसको आइटम सॉन्ग कहते हैं जान छुड़ाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए आवाज़ उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाज़रीन, आपके कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।